क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स लेक्चर 14 में एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आवर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक पढ़ चुके हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में दो, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का कोई न्यूमेरिकल आज तक अभी आया नहीं, आएगा भी नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा करवा दिया है पिछले दिन, वर्किंग डायग्राम प्रिंसिपल न्यूमेरिकल सब। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो छोटे क्लास से ये वर्ड सुना है हमने टेलीस्कोप के बारे में। क्या होता है टेलीस्कोप, कुछ बताओ? टेलीस्कोप क्या होता है? चार तारा को देखने के लिए यूज करते, ठीक है? साइंस के हिसाब से बताइए क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डिफरेंस क्या बताओगे? वो पास से। हाँ, माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप जो है वो नजदीक में ही चीज रखा होना चाहिए, बट उसी का इमेज बढ़ा करके दिखाना है। टेलीस्कोप का काम ही होता है एक्चुअली में बहुत दूर, कुछ लोग बता रहे हैं हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक चांद तारा बता रहे हैं, उनका इमेज सही सही देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे तो हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं। और मैं ये नाइन्थ क्लास से ही बताते आ रहा हूं कि आपको जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अभी ये क्या बोलते हैं सुशांत सिंह राजपूत जो डेथ किया तो बताएगा, उसके पास जो टेलीस्कोप था वो 50 करोड़ से ऊपर उसका प्राइस था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफी महंगा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो बहुत दूर दूर तक देख सकता था। तो बोलने का मतलब, मेरे बोलने का मतलब ये है कि काफी महंगा और काफी मतलब साइंस पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। पूरा नहीं आपको पढ़ लेना है क्लास 12 में 15 मिनट में, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, आपको सिर्फ पढ़ना है कि उसका एप्लीकेशन इसमें कहा है। ये मैं नाइन से बता रहा हूँ, फिजिक्स आप लोग समझिए। आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर पढ़े उसके एप्लीकेशन टेलीस्कोप में कहा पर। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक्चुअली में टाइप्स अगर देखोगे तो दो टाइप हो सकता है, ठीक है? दो तरह का दो टाइप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इस बार अगर आप लोगों के पास सिलेबस है सबके पास, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को इस बार हटा दिया गया बोर्ड के एग्जाम से, तो इस बार आपको पढ़ना ही केवल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है? और ये आप लोग समझ सकते क्यों हटाया, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का शुरुआत में जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है वही हटाया है, पढ़ना ही रिफ्रैक्शन से है, तो रिफ्रैक्शन वाला ही को रखना है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपको इस बार नहीं पढ़ना है, फर्स्ट थिंग। तो सिर्फ हमें रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ना है। अब ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी दो तरह का होता है, एक तो नाम से ही पता चल रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप होगा जो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम में आएगा, दैट विल बी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, नाम से ही पता चला टेरेस्ट्रियल जो मिलता है आसपास, दूरदार का पोल हो गया, चाहे पेड़ हो गया, चाहे गर्लफ्रेंड का घर है दूर, जैसे वो देखना है क्या कर रही है नहीं कर रही है, तो वो देखने के लिए हम लोगों का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल दूर का एकदम इंफिनिटी में रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखना पड़े वहां पर हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का काम पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, और मैं बता दूं, कल आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे न्यूज में भी, जो क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर है वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो थोड़ा पागल है लग रहा है मेरे को, लगता है ही हैज गॉन मैड। पहले बोला मई जून में होगा बच्चा, फिर थोड़ा रिलैक्स किया, फिर बोला कि नहीं एकदम कंफर्म फरवरी मार्च में होगा, और कल फिर बोल रहा हम लोग सोच रहे हैं कि फिर आगे होता है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। एक चीज बता देना चाहिए, इससे प्रॉब्लम आपका ही दूर होगा एक्चुअली, उस हिसाब से तुम तैयारी कर सकते हो। अगर जैसे बहुत बाद में होने वाला होगा तो मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, अगर बहुत बाद में होने वाला होगा तो तुम इतना दिन बोर्ड का तैयारी क्यों करोगे? जो सिलेबस काट फुट किया वो मैं मेरा भी से 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में। तुम मई जून में मान लो एग्जाम होने, तो 5 महीने यही पढ़ोगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेकिन फरवरी मार्च में होने वाला है तो उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। तो ये क्लियर करना चाहिए, ऊपर से मेंस नीट का सिलेबस नहीं बताया, अभी तक बोल रहा सोच रहे हैं, तो ये दिस विल नॉट वर्क, इस तरह से नहीं होता कोई एग्जाम, अभी सोच रहे हैं ऐसे कैसे होगा। तो आप लोग अपना कम से कम स्ट्रेटेजी बनाइए, मेरे को जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो सीबीएसई सिलेबस कट किया है उसी सिलेबस पर ही बेस जेईई मेंस का एग्जाम होगा, उसी सिलेबस बेस पर एनडीए का एग्जाम होगा। तो जो कटा हुआ है उसको मैं बोल रहा हूं मत पढ़ो, जो जेईई नीट का भी आउट एंड तैयारी कर रहे उन लोग भी मत पढ़ो, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली कटेगा, तुम पढ़ोगे तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, बोर्ड वाला भी खराब चला जाएगा। उससे अच्छा जो दोनों में है उसको पढ़ो, उसी से ही तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर वैसे में भी आ जाएगा।
तो थिंग्स अपार्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अभी हम लोग पढ़ेंगे. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपके सिलेबस से हटा दिया है. और फिर ये इंस्ट्रूमेंट है, 50 बार बताने का जरूरत नहीं. इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट नॉलेज से नहीं बनेगा. इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल, वर्किंग डायग्राम, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल एक जगह पर रखो, तभी इसका क्वेश्चन आप बना पाएंगे. तो टेलीस्कोप अभी डेफिनेशन वगैरह तो लिखेंगे ही, बट आप लोग अभी बताया टेलीस्कोप ऐसा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं. कौन देखेगा? आंख. कहां देखेगा? तो इस पूरे चैप्टर में छाया हुआ है कहां देखेगा. तो इसमें रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट लगाया हुआ रहता है, वो मेक श्योर करता है कि कहां देखेगा. तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही देखेगा. तो आप लोग माइक्रोस्कोप देखे, उसमें दो टाइप देखे आप लोग, सिंपल भी और कंपाउंड भी. उसमें भी दो टाइप है, जहां इमेज इंफिनिटी पे बनता है और जहां पर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है. उसी तरह से यहां पर टेलीस्कोप भी एक्चुअली में दो तरह का देखोगे, रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग. तो रिफ्लेक्टिंग को अलग करते हो, पढ़ना नहीं है. उसके बावजूद टेलीस्कोप दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल, एक हो जाएगा टेरिस्ट्रियल. अब एस्ट्रोनॉमिकल में भी दो तरह का होगा, जहां पर इमेज फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगा या फिर इंफिनिटी पर होगा. यहां तक याद रहेगा. अब एक चीज और बताना, उसके बाद मैं फटाफट वर्किंग बताता हूँ. आप लोग परसों पढ़े थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे पहले पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप. उसमें प्रूफिंग किस केस का करवाया गया था, जहां पर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है. इन्फिनिटी वाले का आप लोग फॉर्मूला लिखवा दिया गया था कि ऐसा होता है. यहां उल्टा है, इस केस में इन्फिनिटी वाला ही केस ज्यादा फेमस है. फेमस मतलब जो स्कूल एग्जाम में आया, जो नीट में आया, जो जेईई मेंस में आया, जो जेईई एडवांस में आया. टेलीस्कोप के केस में इन्फिनिटी वाला ही केस जो है वो ज्यादा फेमस है. ऐसे मेरे तुम्हारे बोलने पर नहीं होगा, दोनों केस हमें पढ़ना है. पहला केस है, इसमें हमारा इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो ध्यान से देखोगे इस बार ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें भी हमें दो लेंसेज का जरूरत पड़ेगा. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो तरह का लेंसेज था. कौन कौन सा था? उसमें भी था ऑब्जेक्टिव और आईपीस. यहां पर भी है ऑब्जेक्टिव और आईपीस. वहां पर ऑब्जेक्टिव कैसा था? क्या छोटा? एपर्चर भी छोटा और उसका फोकल लेंथ भी छोटा. यहां पर एक्चुअली में क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है तुम्हारा? इंफिनिटी पर. उससे तो लाइट रे कहीं से भी आ सकता है. तो यहां पर तुमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका एपर्चर जो है वो बड़ा होना चाहिए और इसका फोकल लेंथ भी कंपैरेटिवली काफी लार्जर रहता है. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर भी बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी बड़ा होता है. ठीक है, ये लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होता है. तो ये लाइट गैदर कर रहा है. लाइट कहां से आ रहा है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी पर. और छोटे क्लास से पढ़ रहे हो, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेस बहुत सारा हो सकता है. हम लोग पैरेलल वाले को कंसीडर करेंगे. हाँ, पैरेलल में छोटे क्लास में तुमने सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पढ़ा था. जरूरी नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस पर एंगल बनाते हुए भी आ सकता है. ठीक है, तो ये आ रहा इस तरह से. आखिर है तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा. देखो ऐसे कन्वर्ज किया, ये कन्वर्ज किया, ये कन्वर्ज किया. कन्वर्ज करते समय जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता हो उसको फोकस कहते हैं. तो ये फोकस नहीं होगा क्योंकि मेरा जो लाइट रे आ रहा था वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं था. केस फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनेगा. जहां कटेगा वो फोकस नहीं होगा, जहां पर इमेज बन रहा है वो फोकस है. किसका फोकस? इस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है. यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा, ए डैश बी डैश, याद रहेगा. अब परसों केस बताया गया था, जान बूझ करके अरेंजमेंट इस तरह से किया हुआ रहता है कि जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाए वो आईपीस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ताकि इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फिर छठा केस लगेगा, जिसके वजह से एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड. पहले ही जो ऑब्जेक्ट दिख भी नहीं रहा था उसका यहां पर इमेज बनने लगा. अब इसके मदद से उसी इमेज को हम लोग क्या कर दिए? बड़ा वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड कर दिए. ये काम है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का. ठीक से पढ़ते हो तो 5 मिनट में वर्किंग लिख दोगे. ठीक से पढ़ते हो तो एमसीजी, पोटेंशियोमीटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और हो गया तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. 6 ही बचा आपका नए सिलेबस के हिसाब से. तो ये तुम 5-5 मिनट में लिख के एग्जाम से पहले तैयारी कर सकते हो. ठीक से नहीं पढ़ोगे, नोट्स नहीं है तो ये सब इधर उधर से जुटाते रहोगे तो नहीं लिख पाओगे एग्जाम में. देखो ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ऐसे अब जो लोग ठीक से पढ़ रहे हैं काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है मॉडल. और एक ही जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर बात करो तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मोटा मोटी एक जैसा ही कॉन्सेप्ट बनता है. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? तो यही है. तो ये जो आईपीस है, आईपीस का आपको एपर्चर जो है, क्योंकि अब यहां पर एक छोटा सा, ये जितना बड़ा मैं बनाया उतना बड़ा बनता नहीं है. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर खुद बहुत छोटा है, उसका बस नाम भर इमेज बने उतना सा ही बनता है.
फिर उसको बड़ा करने का काम जो है वो इसका होता है। तो इसको एपर्चर इसका छोटा होगा और इसको बहुत हाई मैग्नीफाइंग पावर चाहिए होगा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? जैसे एकदम छोटा सा, इतना बड़ा इमेज नहीं बनता, एकदम छोटा सा बनता, इसको बड़ा करना है तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होना चाहिए? ज्यादा। टेंथ में, एट्थ में, ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में हम लोग पढ़ रहे हैं पावर बराबर 1/ फोकल लेंथ होता है। पावर ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ कम चाहिए होगा, तो इसका फोकल लेंथ अभी भी जो है वो कम होगा। एपर्चर छोटा चाहिए क्योंकि इमेज ही छोटा सा बना है जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, जो तुम बड़ा सा रखोगे तो उसको गैदर नहीं कर पाएगा। इसके कंपैरिजन में आई पीस का एपर्चर भी छोटा होता है, फोकल लेंथ कम, हाई मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर जो है जो कि 1/f फॉर्मूला ही होता है, नाइन्थ वाला, टेंथ वाला, ये जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से इमेज फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। डायग्राम में ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से, इमेज बन रहा है कहां पर? ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पर। फिर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसका यू ई तुम लिख सकते हो, इसका यू ई, ये किसके किसके बीच में है? फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। और इसका इमेज फॉर्मेशन होगा कहां पर होगा? इसका इमेज फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका भी ई है और डी के बराबर हो, ठीक है, ओके। बनाओ डायग्राम और ये हो गया तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और रही बात जेईई मेंस और नीट के एग्जाम की या फिर स्कूल एग्जाम की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों में से किसी एक से हर साल आता है, चाहे तुम प्रूफिंग का बात करो, चाहे तुम थ्योरी लिखने का बात करो, चाहे तुम न्यूमेरिकल का बात करो, दोनों से आने का चांस तो नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से भी। इस बार कुछ भी हो सकता है क्योंकि टॉपिक कटा हुआ है, तो हो सकता है दोनों आ जाए। और लिखते लिखते सुनोगे कि घर पर पढ़े होगे या फिर बुक में देखे होगे, इस चैप्टर में एक और बड़ा फेमस टॉपिक था, एक बहुत ही इसमें बहुत ही फेमस टॉपिक कुछ कुछ और था जिसका कि मैं नाम भूल रहा हूँ। इस चैप्टर का एक फेमस टॉपिक था, जिन लोगों के पास प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का क्वेश्चन होगा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल से ज्यादा बार रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आया है। अगर बोर्ड्स का पेपर है आप लोगों के पास तो इस बार वो भी नहीं आ रहा है, रिजॉल्विंग पावर वगैरह नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को सिर्फ ये मैग्नीफाइंग डायग्राम प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रूफिंग अभी करेंगे और न्यूमेरिकल्स ठीक से बनाने आना चाहिए, इसको फटाफट कर लो। तो डेफिनेशन क्या क्या है, अपने छोटे क्लास में जो डेफिनेशन पढ़े हो वही सब लिख सकते हो। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। कितने तरह का लेंस है? दो तरह का, कैसा? ऑब्जेक्टिव और आई पीस। ऑब्जेक्टिव का क्या हिसाब किताब है? एपर्चर बड़ा, फोकल लेंथ कम। आई पीस का एपर्चर कम, फोकल लेंथ लार्ज। वर्किंग कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा? दूर दराज ऑब्जेक्ट का एक रियल इन्वर्टेड और छोटा सा इमेज बनाएगा, कहाँ पर? अपने फोकस पर। उसका फोकस तो होगा बट उस आईपीस लेंस के लिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करेगा, जिसका वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन जाएगा। इतना सा वर्किंग है, ठीक है। अब एक्चुअल साइंस का कॉन्सेप्ट यह है कि माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को क्या करके दिखाता है? मैग्नीफाइड करके दिखाता है। टेलीस्कोप एक्चुअली में ऑब्जेक्ट को बड़ा करके नहीं दिखाता है, टेलीस्कोप सिर्फ एंगल को बड़ा करके दिखाता है। टेलीस्कोप जो आंख पर जो एंगल बनता है सब्जेक्ट का, उसको ही मैग्नीफाइड करता है, इमेज बड़ा करके टेलीस्कोप नहीं दिखाता, सिर्फ एंगल को ही बड़ा करके दिखाता है। लिख लिए? तो थ्योरी वरी तो होते रहे, एम के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कैपिटल एम, तीसरा टॉपिक हो रहा है जिसमें कि ये वर्ड आ रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन कैपिटल एम। तो फिर ध्यान से करने पर बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि लेंस मेकर्स का काफी टफ है। एंगुलर मैग्निफिकेशन एम, दिस इज बीटा बाई अल्फा, इसका बीटा अल्फा तो दिख भी रहा है, पिछला दौर में बहुत दिक्कत है, इमेज बना, ऑब्जेक्ट उठाओ, वहां पर प्लेस करो जहां पर इमेज बन रहा था, फिर देखो बीटा अल्फा बनेगा। यहाँ तो नजर आ रहा है, जो इमेज दिखा वो बीटा, और जो आ रहा था ये एंगल, ये एंगल, चाहे आंख ऑब्जेक्ट को एकदम छोटा सा जो एंगल पर देखता था, डेट इज आवर अल्फा। ये एंगल बोल लो, ये एंगल बोल लो, या फिर उन्होंने बताया था ये वाला जो एंगल है, या फिर आंख को जो दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा वो प्रैक्टिकली यही वाला एंगल आएगा,
ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बीटा बाई अल्फा है। फिर फॉर स्मॉल एंगल्स क्या, टैन बीटा बाई टैन अल्फा, और टैन बीटा इसमें थोड़ा सा डाउट यही हो जाता है क्योंकि टैन बीटा बनाए हो इसका है बीटा, बट प्रूफिंग कंफर्म हम लोग इस ट्राइंगल का लेते हैं। ठीक है, टैन बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में कौन दिखा, ए डैश बी डैश, बाय बेस में है ए डैश सी डैश। टैन अल्फा में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर में है ए डैश बी डैश और बेस में है, इसका नाम कुछ सी कर लेते हैं, दिस इज ए डैश सी और ये कट जाता है, ये आ जाता है ए डैश सी बाई ए डैश सी डैश, चलेगा। तो दिस इज लाइक ए डैश सी क्या था, गैप, ए डैश सी इज एफ ओ है ना, और ए डैश सी डैश यू ई है, ठीक है रखेंगे। और जैसे अभी आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज थे, फिर से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये एम आता ही है एमओ इंटू एम ई, एकदम याद रखना है, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करने पर एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसका वी ओ बाई यू ओ और इसका वन प्लस एफ ई बाई डी आता है, और इस यू ओ का यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, और उसके बाद बोला गया था किसी भी तरह का साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे, तो ये वहां पर एम का वो फॉर्मूला था, यहाँ पर एम का ये आता है, फाइनल जो आएगा वो तो आएगा ही बट ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है, फाइनल तो कुछ और ही आएगा डी यू के फॉर्म में, बट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग इसको रोकते हैं और लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाई लेंस फॉर्मूला किसके लिए, लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव नहीं आईपीस, और यहीं पर अंतर है जो मेंस मीट का तैयारी कर रहे हैं, फाइनल जो फॉर्मूला आएगा उससे तो क्वेश्चन बनाओगे, ये पूरा याद रहा तो कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो दिस वाज 1 बाय वीई माइनस 1 बाय यूई इज इक्वल टू 1 बाय एफई, यही होता है ना, यही होता है, जैसे 1 बाय यूई बराबर कितना हो गया, 1 बाय यूई बराबर 1 बाय वीई माइनस 1 बाय एफई, आ रहा है बच्चों समझ, 1 by UE बराबर VE कहां पर है, VE D पर है, ठीक है, this is 1 by D minus 1 by FE, ठीक है, this is 1 by UE बराबर 1 by D minus 1 by FE। Now we want a bit of sign convention, ठीक है, थोड़ी सी हमें sign convention की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ साइन कन्वेंशन, और वो बिट ऑफ साइन कन्वेंशन क्या हो, इस डी के बारे में थोड़ा देख लो, ये 30 है, 40 कैसे होता, 30 40 कैसे होगा, इधर लाइट है किस तरफ जा रहा है, इससे उस तरफ, इसका मतलब यहाँ पास क्लियर कट है, ये जो वी है वो एक्चुअली में ये डायग्राम ग्राम पे तो ठीक है बट क्वेश्चन बनाने के लिए माइनस डी, ये 1 बाय यू बराबर कितना हो गया, दिस इज माइनस 1 बाय डी माइनस 1 बाय एफ ई, इसमें माइनस को कॉमन निकाल लो तो बचेगा 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ, याद रहेगा, याद तो करना ही पड़ेगा, और इसको उठा के यहाँ देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, मेरे को ये चाहिए था, और इक्वेशन ए कितना बन जाएगा, दिस इज एम इज इक्वल टू एफ ओ की जगह रहने देते हैं और 1 बाई यू की जगह पर 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 माइनस 1 बाई B प्लस 1 बाई एफ ई, और ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज माइनस एफ ओ इंटू 1 प्लस डी माइनस एफ ओ बाई एफ ई, मेरा काट लगा, अच्छा ठीक है, 1 बाई माइनस एफ ओ 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई, समझ में आ रहा है बच्चों, इसको थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके लिखा हुआ है, एफ ई को अगर कॉमन निकालते हो, जरूरत नहीं है बट बुक में ऐसे लिखा हुआ है, इसमें एफ ई एफ ई एफ ई को अगर कॉमन निकालते हो निकल जाएगा, दिस इज माइनस एफ ओ बाई एफ ई, एफ ई बाई एफ ई ये 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये भी चल सकता है, और लगातार लिखवा रहा हूं ये फॉर्मूला यूज करते समय, डोंट यूज, ये लगाने के बाद किसी तरह का साइन कन्वेंशन क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं यूज करना, डोंट यूज साइन कन्वेंशन व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहेंगे जिस फॉर्मूले इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी और माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी है ना अपना हाँ और एक माइनस एफ नॉट वन बाय डी प्लस वन बाय एफ ई चलेगा. दिस इज आवर एंगुलर मैग्निफिकेशन. माइनस लगाओगे और फिर किसी भी तरह का साइन कन्वेंशन यूज क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं करोगे. अब अभी इसी को आगे बढ़ाते हैं. तो इसी में मैं बताया कि माइक्रोस्कोप के केस में जब इमेज व्हेन फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वही ज्यादा फेमस है. टेलीस्कोप के केस में इसका जो दूसरा वाला केस है वो ज्यादा फेमस है. तो मैं प्रूफिंग नहीं कर रहा हूं, आपका होमवर्क रहेगा. होमवर्क वाली भी बात नहीं है, सीधा सा इसका बी वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें इमेज कहां पर व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी इमेज कहां पर बनेगा इंफिनिटी पर. माइक्रोस्कोप के केस में भी था है ना, बट उसको उतना तवज्जो नहीं दिए क्योंकि उस पर है भी नहीं क्वेश्चन वगैरह. इसको अलग से इसको बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट. ये वर्ड लिखा हुआ रहता है एग्जाम में, ये वर्ड जो है वो लिखा हुआ रहेगा टेलीस्कोप के केस में. ये प्रूफिंग इस केस में करवाया जाता है बट फेमस टॉपिक ये है इमेज जो है वो बहुत दूरी पर बने व्हिच इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी. अरे समझे, मैं प्रूफिंग दोबारा नहीं करूंगा, आप घर पे करेंगे. कहां पर अंतर होगा, आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, 12th क्लास का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म है, बताओ क्या होगा. इमेज इंफिनिटी पर कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर एफ और सी के बीच में नहीं सीधा एफ पर ही होता तो इमेज बहुत दूरी पर बड़ा सा बनता, जिसको प्रैक्टिकली इंफिनिटी कहते हैं हम लोग. ठीक है, तो कहां कहां पर अंतर हो जाता है इस पूरे प्रूफिंग में. यहां मेरा मिट गया, यहां पर आया था ना एम बराबर कितना आया था, यहां पर आपका एम आया था, मेरा मिट गया माइनस क्या आया था एफ ओ बाई यू ये आया था ना. अब देखो अगर इमेज अगर क्या आया था एफ ओ बाई यू ई आया था ना, यू ई कहां पर होना चाहिए इमेज इंफिनिटी पर बनने के लिए, एफ ई पर होना चाहिए, यहां पर बिल्कुल इसके बीच में नहीं यहां पर ही हो जाता तो इमेज जो है वो इंफिनिटी पर बन जाता. तो यू ई के जगह पर एफ ई सेट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, माइनस एफ ओ बाई एफ ई हो जाएगा सीधा. When image is formed at infinity, normal adjustment. इसका प्रूफिंग आपका होमवर्क रहा, यही सारा स्टेप होगा, समझ आ गया सबको, और यहीं पर खत्म हो जाएगा. आगे लेंस फॉर्मूला में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा. यहाँ पर तुम्हारा यहाँ तक पहुंचे थे माइनस एफ ओ बाई यू ई, उसी यू ई के जगह पर तो यहाँ पर एफ ई हो जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई. ये सब स्टेप आएगा ही नहीं, डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, एकदम ऑब्जेक्ट यहीं पर बन जाएगा दूसरे वाले का, और ये जो यहाँ बन गया वो यहाँ नहीं बन करके इन्फिनिटी पर एकदम बहुत बड़ा इंफाइनाइट बनेगा. कर लोगे, बुक में है. बोलने का मतलब यह है कि इस टॉपिक का बोर्ड के एग्जाम में भी नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला प्रूफिंग ज्यादा बार आया इससे, जबकि माइक्रोस्कोप वाले केस में इन्फिनिटी वाला दिया ही हुआ नहीं है, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ आ रहा है. और लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा इस केस में, परसों हम लोग पढ़े थे लेंथ ऑफ ट्यूब एक्चुअली में दोनों लेंस के बीच का दूरी होता है. तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आ रहा है, इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब यहां से यहां तक क्या था, बोलो यहां से यहां तक था एफ ओ प्लस उसके बाद यू पी था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, मैं लेंथ बताना है. तो यहां पर लेंथ ऑफ ट्यूब इतना, इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आएगा, यहां पर एफ ओ बना है वही इसका एफ ई दिखा है, इसमें सीधा एफ ओ प्लस एफ ई आ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे क्लियर है कि डायग्राम बनाओ इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला आ जाएगा. बस ये जो यू ई है वो एफ ई हो जाएगा. व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं. इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन माइनस एफ ओ बाई एफ ई हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा. इस केस में एम बराबर माइनस एफ ओ बाई यू ई भी याद करना है, माइनस एफ ओ बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी भी याद करना है, कुछ नहीं दिया है तो डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है वो भी याद करना है, लेंथ ऑफ ट्यूब एफ ओ प्लस यू ई का पॉजिटिव वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में मत लेना, लेंथ बताना है पॉजिटिव में लेना होगा. इस केस में टेलीस्कोप के केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट ज्यादा फेमस टॉपिक है. प्रूफिंग से लेकर के न्यूमेरिकल तक ज्यादातर नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप से आता है. और माइक्रोस्कोप के केस में इंफिनिटी वाला मैं तो नहीं देखा आसान आते थे, माइक्रोस्कोप में उल्टा है. माइक्रोस्कोप के केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला वर्ड कहीं है ही नहीं. माइक्रोस्कोप के केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला ही ज्यादा टॉपिक फेमस है. तो इंस्ट्रूमेंट्स का न्यूमेरिकल बिल्कुल ध्यान से बनाना, मेरे कॉपी से बनाना, क्योंकि जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोग समझ गए होंगे कि इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल में दम नहीं है. अगर गिवन डेटा हाथ में है और फॉर्मूला याद है तो जरूर बना लोगे. जैसे कि ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन है, टू बी प्रिसाइज बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन है.
क्या क्या गिवन है वो बताओ, फिर बन ही जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एफ ओ कितना? 75 सेंटीमीटर। आई पीस का 5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन है, तो पहला वाला केस हो गया है ना। और डी कुछ नहीं दिया, कितना देते हैं हम लोग 25। फॉर्मूला बोर्ड पर है तो आपके लिए आसान है, माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई, नहीं नहीं 1 प्लस एफ ई बाई डी, बार बार गलत लिखा रहा है फॉर्मूला, माइनस एफ ओ 75 5 5 25 कितना हुआ, माइनस 15 26 30 हुआ, 30 25 3 5 6 दिस इज माइनस 18 ठीक है, माइनस 18। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टेलीस्कोप में ज्यादातर क्वेश्चन आया, ये वर्ड 2010 का है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्ड तो ठीक है, बट यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड देख लेना, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट, माइक्रोस्कोप में कभी भी क्वेश्चन इसका नहीं है, पर टेलीस्कोप में 50-50 है, या फिर मैं 60-40 भी बोल सकता हूँ, ज्यादा बार जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन आता है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ था कितना, -20 होगा ना, आंसर माइनस में ही आता है। और क्या क्या दिया हुआ था, फोकल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 105 इफ द फोकल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, अच्छा इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है, इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, सही बात, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना था मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो एफ ओ प्लस एफ ई है, और ये दिया हुआ था कितना है ये 105। इसी से हम लोगों को उपाय निकाला, जिसमें मैग्निफिकेशन बराबर कितना होता था, इसमें मैग्निफिकेशन बराबर माइनस एफ ओ बाई एफ ई, दिस इज माइनस 20 माइनस एफ ओ एफ ई, ये कट जाता, दिस इज एफ ओ बराबर 20 टाइम्स ऑफ एफ ई है ना, इसको यहाँ पुट कर देंगे, एफ ओ की जगह एफ ओ एफ नहीं, एफ ओ की जगह पर 20 टाइम्स ऑफ एफ ई प्लस एफ ई बराबर 105। लेंथ ऑफ ट्यूब ये सब वर्ड को थोड़ा ख्याल रखना, इसी पर काम करवाया जाता है, परसों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिखवाया हो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, जैसे दिया रहा था ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट भी करते हैं, इसमें तो खैर एफ ई हमारा 5 आ गया और एफ ओ कितना हो गया 20 एफ ई, तो 100 सेंटीमीटर, तो 5 और 100, थोड़ी देर पहले बताया गया था क्या ज्यादा क्या कम, ऑब्जेक्टिव का क्या था, ये देखो ऑब्जेक्टिव का एपर्चर ज्यादा फोकल लेंथ भी ज्यादा, देखो आया ना 100 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ कम होता है ठीक है। नेक्स्ट वीक बनाएंगे, संडे को भी बाकी इसमें जितना भी धुआंधार क्वेश्चन है वो तो संडे को करेंगे, पहले बोर्ड्स का सारा क्वेश्चन अभी भी कुछ कर लो, समझ लो मीनिंग को, डायग्राम को ख्याल कर लो, पीछे जो पढ़े हो उसको भी रिवाइज करो, एसी चैप्टर है, टीचर भी मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, वो मैथमेटिकल टाइप का चैप्टर है, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाया हुआ है इसको पढ़ो, तो चैप्टर ऐसा ही होता है तुम्हारा समझा होने से कोई मतलब ही नहीं हो, तुमको रट के आना है फॉर्मूला उसका है ना, एलआर एलसीआर, एलसीआर में वो क्लास चला था बल्ब जलाने वाला, किसमें बल्ब ब्राइट जलेगा, एक पूरा क्लास उसी का चला है, ब्राइट किसमें डिम किसमें हो जाएगा, कहाँ बल्ब अंदर बाहर कब किस केस में बल्ब ज्यादा जलेगा ब्राइट होगा, वो वाला सारा हो चुका, न्यूमेरिकल सारा हो गया, रेजोनेंस का क्वेश्चन हो गया, वो वाटलेस करंट भी उसमें पढ़ा है, वाटलेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी इसका एक और क्वेश्चन ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन, एक और इसको ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर लेंस है, ये पहली बार जब आया था बोर्ड में तो बच्चे उसमें इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे, लेंस है पावर पी एपर्चर ए, लेंस का नाम L1 L2 L3, पावर 3 डायोप्टर 6 डायोप्टर 10 डायोप्टर, एपर्चर 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए भी, मेंस मीट के लिए भी हो सकता है इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ रहा है
इन तीनों लेंस में विच ऑफ द टू लेंसेज विच ऑफ दीज टू लेंसेज विल यू यूज फॉर आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव. Construct an astronomical telescope. बताओ ये दो तीन लेंस दिया हुआ है, इसमें से दो का इस्तेमाल करना है एकदम एप्रोप्रिएटली ऑब्जेक्टिव और आईपीस बनाने के लिए. किससे ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, किससे आईपीस बना सकते हो, बताओ जरा सर. आईपीस के लिए है काला धागा, थर्ड वाला, थर्ड लेंस. क्यों? इसका एपर्चर क्या है? इसका एपर्चर, एपर्चर कम है. तो एपर्चर तो खैर L3 का भी कम है, L2 का भी कम है, लेकिन एपर्चर कम होना जरूरी है आईपीस के लिए, शॉर्ट एपर्चर. तो अभी इन दोनों में से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अब इसका क्या ज्यादा होना चाहिए? अभी लिखो पावर ज्यादा. पावर ज्यादा होने का मतलब क्या? फोकल लेंथ कम होना चाहिए. इन दोनों में मैच चल रहा है, इन दोनों में फोकल लेंथ तो है नहीं, बट पावर क्या होना चाहिए? तो ज्यादा पावर का यूनिट डायोप्टर. तो शॉर्ट एपर्चर, शॉर्ट एपर्चर भी ठीक लग रहा है इसमें, और हाई पावर भी ठीक लग रहा है. इस वजह से लेंस, थर्ड लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग क्या बनाने के लिए, आईपीस के लिए. अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव का सोच ले, साफ पता चला कौन सा होगा, वन वाला. क्यों? फर्स्ट लेंस सीधा सा हिसाब है इसका, एपर्चर तो जरूरी है हमें लार्ज होना, एपर्चर लार्ज. और बाकी बातें भी इन दोनों में मुकाबला होगा तो इसका पावर जो है वो, मतलब इसका पावर, पावर पावर कम है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो ये चाहिए, फोकल लेंथ भी ज्यादा चाहिए. तो लार्ज एपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, पावर कम, लार्ज फोकल लेंथ लेस पावर. तो इस वजह से इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट लेंस का इस्तेमाल कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और थर्ड का इस्तेमाल आईपीस के लिए. आया था जब पहली बार बोर्ड एग्जाम आपसे, अब एक बार नहीं कई बार आ चुका है ये सारे सैंपल पेपर में. इस साल की बात अलग है कोविड को लेकर के, वैसे सारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन कॉमन दिया हुआ था. तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. रिफ्लेक्टिंग आपका आ नहीं रहा है, रिजॉल्विंग पावर आ नहीं रहा है, तो बस मैं जितना न्यूमेरिकल्स और अगले क्लास में बताऊंगा उसको मिला लेना. और हमारा रे ऑप्टिक्स पूरा नेक्स्ट क्लास में, मंडे संडे तक हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा. क्या क्या पढ़ना था रे ऑप्टिक्स में एक बार बताओ? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन पढ़ना था. रिफ्रैक्शन में पहले लेंस नहीं था, रिफ्रैक्शन में पहले TIR है, उसके बाद फिर TIR का एप्लीकेशन. TIR के एप्लीकेशन में देखिए बड़ा जरूरी आता है ऑप्टिकल फाइबर. TIR के एप्लीकेशन में भी ऑप्टिकल फाइबर आता है, और ऑप्टिकल फाइबर अलग से भी पढ़ना है, उससे आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर तो लेंस आया ही, लेंस फॉर्मूला आया ही. लेंस फॉर्मूला से पता चला कि लेंस फॉर्मूला इनकम्प्लीट नॉलेज है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे जाना पड़ता है. फिर प्रिज्म, प्रिज्म में 10th तक डिस्पर्शन पढ़े थे, और 12th में उसका रिफ्रैक्शन पढ़े, उसका न्यूमेरिकल पढ़े. और फिर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आप लोग देख लिए. एक क्लास और में न्यूमेरिकल्स, और हमारा ये ऑप्टिक्स खत्म.